मैं इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की फील्ड को पढ़ा रहा हूँ, खासकर एसएससी वाली लाइन को, यानी जनरल कॉम्पिटिशन वाली लाइन को, जहाँ पे बच्चा इंस्पेक्टर तैयार होता है और लाखों बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं, हजारों डिपार्टमेंट जो हैं या हजारों जो वैकेंसी हैं इनके थ्रू, कोई सीपीओ के थ्रू सिलेक्शन लेके गया, कोई दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बना, कोई कहीं बना, कोई इंस्पेक्टर बना, कोई इनकम टैक्स बना, कोई कहीं बना। तो मैंने 12 जून 2012 को मैंने पहली बार पढ़ाना शुरू किया था, तब से मैंने आज तक एक ही चीज महसूस की कि जो बच्चे शुरुआत में बहुत बोला करते थे, यानी जो बच्चे बिल्कुल सामने बैठते थे, जो बहुत होशियार थे, सर 25 ईयर हो गया कब गधे, 2012 से अब तक 25 साल कैसे हो गए, तेरा तो गणा ही कमजोर है, मैथ नहीं थे तो गिनती घटिया गधे। तो कहानी ये है, पढ़ा मैं बहुत सालों से रहा हूं लेकिन इस फील्ड को मैं 2012 से पढ़ा रहा हूं। तो मैंने देखा कि जो बच्चे क्लास में बहुत ज्यादा बोलते थे, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाते थे, ऑनलाइन तो हमने 2020 में ही पढ़ाना शुरू किया था, 2019 में पहली बार ऑनलाइन बैचेज आए, तो मैं ये देखता था जो बच्चे होशियार रहते थे, बहुत ब्रिलियंट होते थे, वो शुरुआत में क्लासों में बहुत बोला करते थे, आगे से आगे बढ़ चढ़ के बोलते थे, धड़ाधड़ बोलते थे, सवाल बोलो तुरंत आंसर देते थे। लेकिन आप विश्वास मानिए, जब 3 महीने 4 महीने 5 6 महीने कोचिंग के बीतते थे, तो धीरे धीरे क्या होता था, वो गुब्बारे की हवा निकलती रहती थी। और एक सर्टेन टाइम के बाद वो बच्चे मिलते थे, हाँ भाई क्या कर रहा है सर, कोचिंग कर रहा हूँ, कहाँ पे सर, अब फला टीचर के पास कर रहा हूँ, उससे पहले सर उस टीचर के पास कर रहा हूँ, भाई कर क्या रहा, तू 2-2 साल से कोचिंग ले रहा, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अबे टीचरों में कमी नहीं तेरे में कमी है भाई, इस बात को समझ। और वहीं पे मैं ऐसे बच्चों को देखता था जो शांति रहते थे, ना फालतू मतलब आंसर फेंका करते थे, ना बहुत होशियार थे, ना बहुत कमजोर थे, बस डेली का काम डेली कर लिया करते थे। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जीवन में ऐसा एक सिंगल बच्चा नहीं देखा जिसने डेली का काम अगर डेली किया है और उसका सिलेक्शन ना हुआ, आज तक एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं मिला। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, दिन रात इसमें लगाने की जरूरत नहीं है कि आप पूरी दिन रात इसमें लग जाएं और बहुत मेहनत करें, 24 घंटे में मोदी जी की तरह 26 घंटे आप काम कर लें, सॉरी मतलब 16 घंटे काम कर लें, या 22 घंटे काम कर लें, या 20 घंटे पढ़ लें, ऐसा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप मेरी बात पे विश्वास रखिए, ये जीवन आपको एक ही बार मिलना है ना, इसलिए इस उम्र के आनंद भी लेते चलिए। मैं आज एक व्हाट्सएप पे एक शेर शायरी पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि किसको क्या दिया है और किससे क्या लिया है, या किसको क्या देना है या किससे क्या लेना है, यह हिसाब आज तक कोई नहीं समझ पाया। ऊपर वाले का गणित बहुत बेहतरीन था, उसने भेजा भी खाली हाथ और बुलाया भी खाली हाथ। यह सच है मेरे प्यारे बच्चों, हम खाली हाथ ही आए थे और हमें जाना भी खाली हाथ है, और यह एक ही जीवन मिला है, इसलिए इस जीवन को इतना झंडे भी मत करना कि आप 20-20, 25-25 घंटे पढ़ते चले जाए, और वो मन की बात वाला 26 घंटे पढ़ ले वो भी ना करना, मतलब 24 घंटे में 26 घंटे काम कर ले वो भी काम ना करना। आप एक ही घंटा पढ़ें, आपकी बैठने की औकात, बैठने की हिम्मत, पढ़ने के लिए जो बैठते हैं उसकी हिम्मत एक ही घंटे की, तो आप एक ही घंटे पढ़ें, लेकिन उस काम को रोज कर लें मेरे बच्चों। मैंने अपने जीवन में, अपने बच्चों में यह हमेशा महसूस किया है, खुद के जीवन में मैंने ये चीज महसूस की है, मेरे और भी भाई हैं बहुत सारे, मेरे चाचाताओं के या मेरे यार दोस्तों में, मैंने उन सब में और अपने में एक ही चीज महसूस की कि मैं चीज बहुत धीरे धीरे करता हूं लेकिन मैं लगातार करता हूं। तो मैं आपको भी यही सलाह देना चाहूंगा कि एक ही दिन में आप बिल्कुल तोड़फोड़ के मूड में मत बैठना कि आज मैंने सब कुछ पढ़ लेना ना, अरे औकात आधे घंटे पढ़ने की, 1 घंटे पढ़ने की, वही पढ़ो यार, लेकिन उसको फिर कंटिन्यू करना, और उस 1 घंटे में ये वाली जो चीज है ना, ये बहुत शांत होनी चाहिए, इसका ध्यान उस लड़की की तरफ, उस लड़के की तरफ, उसकी प्रॉपर्टी पे या उस रिश्तेदार पे या किसी पे ध्यान नहीं जाना चाहिए, इसका दिमाग ये बिल्कुल शांत होकर सिर्फ 1 घंटे उस चीज पे ध्यान लगा दे। अगर आप जाके आज 20 मिनट इस ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना चाहते हैं जो मैंने पढ़ाया है, तो मन में एक तो ये वहम नहीं आना चाहिए, अरे ये बेसिक बात है इसको क्या पढ़ना, मेरे भाई ये अंग्रेजी जो कीड़े है ना, यही आदमी को बर्बादी की तरफ लेके जाते हैं, ये अंग्रेजी कीड़े दिमाग से निकालो, हर चीज जरूरी है, हर छोटी से छोटी चीज जरूरी है, उसको उसी सिंसियरिटी से पढ़ते चले जाइए, अपने अंदर धीरे धीरे स्टूडेंटशिप लेकर आइए,
छात्र प्रवृत्ति लेकर आई है। कारण क्या है कि जैसे ही हम स्कूल से कॉलेज में गए हमारे अंदर से वो छात्र प्रवृत्ति खत्म हो गई। आपने अंदर वो छात्र प्रवृत्ति लेकर आई है, दोबारा से सीखने की ललक पैदा करिए अपने अंदर, है ना, और कंटिन्यूस एफर्ट करते रहिए। थोड़ा पढ़िए लेकिन कंटिन्यू पढ़िए। अपने जीवन को भी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त निरस्त मत कर दीजिएगा। आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कैरियर प्लेटफॉर्म पे यूपीएससी के टीचर्स हैं और बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, आप वहां तैयारी कर सकते हैं। उसमें शायद बहुत मेहनत की जरूरत होगी, उसके लिए वो टीचर आपको बहुत बढ़िया से बता पाएंगे। मुझे एसएससी का ज्ञान है,